बात करेंगे दिल्ली किडनी रैकेट की और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले जी बिजनेस ने ही आपको खबर दी थी कि इस रैकेट में जिस रैकेट का जो भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने, उसमें अपोलो हॉस्पिटल के भी तार जुड़े हुए थे। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी संतोष के पास। बताइए संतोष, क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, इस किडनी के रैकेट में जिसको दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया था, जिसमें अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और इस मामले में जो अब बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि अपोलो हॉस्पिटल के 3 नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स पुलिस के शक के दायरे में हैं, और इन तीनों को पुलिस ने नोटिस सर्व किया है और ये इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहा है। इनमें से एक जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो US में हैं और उनके पिछले हफ्ते ही लौटने की बात थी, लेकिन केस चल रहा है इस वजह से अब तक भारत नहीं लौटे हैं। लेकिन इधर दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए जैसे ही वो इंडिया आते हैं उनसे IGI एयरपोर्ट पर एक टीम लगा रखी है ताकि उनसे इमीडिएटली पूछताछ की जा सके, ताकि कोई सबूत जो है उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। कुल मिलाकर अपोलो हॉस्पिटल के 3 जो डॉक्टर्स हैं, इनके 3 सेक्रेटेरियल स्टाफ को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उस कमेटी से भी पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया है जो किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले की एक कमेटी होती है। तो कुल मिलाकर अपोलो हॉस्पिटल के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, और आने वाले दिन में जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टर अभी शक के दायरे में हैं, हो सकता है कि पूछताछ के बाद जो शक की सुई है वो और गहरा सकती है इन तीनों के खिलाफ। साथ ही संतोष, आप ये बताइए कि ये जो ऑलरेडी शक के दायरे में 3 डॉक्टर्स आ चुके हैं, कुछ और भी यहाँ पर गिरफ्तारियां वारंटेड हैं? जिस तरीके से पूछताछ होगी तो हो सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ही 3 और डॉक्टर्स जो हैं, जिनकी पूछताछ अगर होगी उसके बाद वहां पर भी अरेस्ट होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है, जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में इन लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है, ऐसे में इनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। पूछताछ करने के बाद अगर दिल्ली पुलिस को वो सबूत जो उनके पास है, उन सबूतों के आधार पर अगर जोड़ा कड़ियां मिलती हैं तो हो सकता है इनकी गिरफ्तारी संभव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरे ही अपडेट के लिए। और अपोलो हॉस्पिटल्स में आज भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर आप शेयर प्राइस को देखें 13.13 के प्राइस के साथ अभी भी 0.5% की वीकनेस इस शेयर पर देखने को मिली है, और इसी का आप पूरा इफेक्ट देख सकते हैं हॉस्पिटल शेयर्स में। बाकी सब में भी एक लाल निशान में ही कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। पूरी इंडस्ट्री में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अब संदेश शेट्टी ने हमें मुंबई से कॉल किया अपना सवाल लेकर। संदेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ, मेरे पास एक HCL का शेयर है, HCL इन्फोटेक। वो 200 शेयर से मैंने 60 रुपीज का लिया था। आपने काफी ऊपर खरीदा है और आपको काफी नुकसान। कब खरीदा था आपने ये? लास्ट ईयर आपने यहाँ खरीदा था। ऑल राइट, पंकज क्या सलाह देंगे HCL इन्फोटेक पर? 200 शेयर है इनके पास और 80 रुपीज पर खरीदारी की हुई है, आधे हो चुका है इनका कैपिटल, अब सलाह क्या रहेगी? देखो, काफ़ी ऊपरी स्तर पे स्टॉक ले रखा है, एंड अगर हम देखें कि जो कुछ एक चुनंदा मिड कैप IT स्टॉक्स ने आप पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी भी है, HCL इन्फोसिस इज नॉट पार्ट ऑफ दम। रादर स्टॉक हैज बीन ट्रेंडिंग डाउन फॉर लास्ट 1 ईयर। बीच बीच में हम थोड़ा सा पुल बैक स्टॉक में देखते हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट जितनी मेरी जानकारी है, दे हैव नॉट बीन ऑल दैट एनकरेजिंग। सो ऑल इन ऑल आई थिंक नथिंग सीरियसली पॉजिटिव टू टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ। आई वुड स्टिल सजेस्ट जस्ट टू लैच ऑन टू होल्ड ऑन टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि आपने काफ़ी ऊपरी स्तर पर लिया हुआ है, एंड मे बी समवेयर अराउंड 33 अगर वो लेवल ब्रीच करता है, मे बी यू कुड थिंक ऑफ बुकिंग योर डीप लॉन्ग द स्क्रिप्ट। अन्यथा मेरे को लगता है कि एज ऑफ नाउ इसमें थोड़े समय और दीजिए और बने रहिए। अगले कॉलर हमारे साथ अंकित गर्ग हैं ग्वालियर से। अंकित नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा जेट एयरवेज पे सवाल है, और वो मैंने 570 रुपए में खरीद की है, 50 से 1-2 महीने का नजरिया क्या करना चाहिए? ठीक है सुमित, 1-2 मंथ पर्सपेक्टिव से इन्होंने जेट एयरवेज के शेयर्स खरीदे हुए हैं। परचेजिंग प्राइस 575 का है, स्टॉक अभी 558 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन 2 महीने के नजरिए से क्या स्ट्रेटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? दीपाली, इनको सलाह यही रहेगी कि जेट एयरवेज के अंदर होल्ड करके चले। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला है, बट इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ।
आई थिंक अगर कोई डिप भी मिलती है तो घबराने वाली बात नहीं रहेगी। जैसे ये स्टॉक 575-580 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको ऊपर में 610 से 625 के लेवल दिखते हैं स्टॉक के अंदर, जो कि हमको लगता है बहुत जल्दी अचीव होने चाहिए। 2 से 3 महीने का इन्होंने होराइजन रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्टॉक को होल्ड करके चले। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर तभी खराब होगा जब ये 510 के नीचे जाएगा, तभी अभी 555-557 के आसपास चल रहा है। स्टॉक को होल्ड करके चले, ओवरऑल स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, 625 के लेवल इनको मिल जाने चाहिए जल्दी। ऑल राइट, चलिए आपको 2 से 3 महीने के नजरिए से होल्ड करने की सलाह दी गई है, अच्छे अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ अब गौरव जुड़े हैं पुणे से। नमस्कार गौरव, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैं पीएनसी इंटरनेशनल से पूछना चाहता हूँ, 137 के लिए है मैंने 100 शेयर। ठीक है, आपने 137 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, 100 शेयर है आपके पास, नजरिया क्या है आपका गौरव? 3 से 6 महीने का। आप कब तक के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं? 3 से 6 महीने का। 3 से 6 महीने का नजरिया है। पंकज, अबाउट 6 मंथ्स का इनका पर्सपेक्टिव है, इनकी खरीद भाव के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है, केसी इंटरनेशनल पर क्या सलाह रहेगी? साक्षी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक का, 2 डिजिट लेवल से करंट लेवल्स तक इट हैज बीन ट्रेंडिंग अप, हायर टॉप्स बना रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, और 125 से 130 जो कि सीरियस रेजिस्टेंस लेवल थे दैट हैज बीन ब्रीच्ड। अब मेरे को लगता है कि यहाँ से करीब 150 से 155 के सॉर्ट ऑफ लेवल्स खुल गए हैं, तो आप इस स्टॉक में बने रहिए, मेरे को लगता है द पॉजिटिव मोमेंटम व्हिच इज सीन विल कंटिन्यू। विनोद है हमारे साथ फोन लाइन पर महाराष्ट्र से। विनोद, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। जी मैडम, मेरे पास में टोरेंट फार्मा का है, 25 शेयर है, 1370 में मैंने लिया है। ठीक है, और कितना समय आप रुक सकते हैं? और मैडम एक और है मेरे पास, अपार इंडस्ट्रीज का है मेरा। अपार इंडस्ट्रीज का परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? सुमित, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, एक तो टोरेंट फार्मा जहां पर इनका खरीद भाव है 1380 रुपए का, स्टॉक अभी 1343 पर ट्रेड कर रहा है, बाइंग प्राइस से नीचे इनका। दूसरा अपार इंडस्ट्रीज, बाइंग प्राइस तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, पर आपके कमेंट्स क्या है दोनों स्टॉक्स पर? देखिए टोरेंट फार्मा पे दिवाली होल्ड की सलाह रहेगी, स्टॉक एक पिछले कई दिनों से वीकनेस जरूर दिखा रहा है, बट अभी तक ये स्टॉक इतना खराब नहीं हुआ है कि स्टॉक में से निकल जाना चाहिए और बाइंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक फिलहाल एक बार होल्ड की सलाह रहेगी, ये ऐसा लगता है स्टॉक के अंदर कि यहाँ से वापस जब तेजी पकड़ेगा तो स्टॉक में ऊपर में हमको 1580 से 1600 के लेवल दिखाई देंगे। इमीडिएटली स्टॉक का पहला पड़ाव है 1390-1400, ये लेवल क्रॉस करने के बाद हमको ऊपर में 1500 से 1600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो अपार इंडस्ट्रीज है, वो स्टॉक पिछले उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, बट पिछले कई दिनों से स्टॉक में ऊपरी मूव देखने को मिला है, अभी ये अपने हायर लेवल्स के पास आ चुका है 525। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 525 और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 550 से 570 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 510 का इनको स्टॉपर्स लगा के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जी चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है।